शेयर करने वाली हूँ लैक्मे सीसी क्रीम का रिव्यू। वैसे तो कोई बहुत न्यू प्रोडक्ट नहीं है, बट मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट की थी लैक्मे सीसी क्रीम का रिव्यू डेमो करने के लिए। सो इसीलिए मैं आज लैक्मे सीसी क्रीम का डेमो करने वाली हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है लैक्मे सीसी क्रीम को यूज़ करने का। बेसिकली तो लैक्मे सीसी क्रीम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस पे मैं फाउंडेशन प्रेफर नहीं करती हूँ एंड ऑफिस में इतना कवरेज भी नहीं चाहिए होता है कि हम डेली बेसिस पे फाउंडेशन अप्लाई करें। सबकी अपनी चॉइस होती है, बट आई प्रेफर लैक्मे सीसी क्रीम। काफ़ी गर्ली सी क्यूट सी पैकेजिंग के अंदर आता है ये प्रोडक्ट, पिंक इन कलर, और इसके अंदर आपको चार शेड्स मिल जाएंगे, बेज, हनी, ब्रॉन्ज एंड आमंड। मेरा जो शेड है इसके अंदर दैट इज़ बेज, फर्स्ट वाला सबसे लाइटर फर्स्ट शेड है दैट इज़ बेज, वो मेरा शेड है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। इंस्टेंटली प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटन करता है, इवन स्किन टोन देता है, कंसील करता है एंड फ्रेश लुक देता है। मैं फटाफट मैं इसका डेमो आपको करके, इसके अंदर अभी थोड़ा सा ही प्रोडक्ट रह गया है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लैक्मे सीसी क्रीम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव लव दिस प्रोडक्ट। तो बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये ऐसे ट्यूब पैकेजिंग के अंदर आता है। ये इसका कैप है, इसका कैप भी सेम कलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पर आगे बढ़ने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का डेमो। ये इस तरह की क्यूट सी ये इस तरह की क्यूट सी पैकेजिंग के अंदर आता है। ये इसका कैप है। मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, इवन पता नहीं कितनी ट्यूब मैं ख़त्म कर चुकी हूँ लैक्मे सीसी क्रीम की। सो हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है, बस इतना प्रोडक्ट इनफ होता है। इसको हमें डॉटिंग मोशन पे अप्लाई करना है अपने फेस पे और अपनी नेक पे भी। फाउंडेशन लगाएं, कोई भी क्रीम लगाएं अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है आपके फेस का कलर तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है एंड आपकी नेक थोड़ी सी डार्क लगती है, मतलब मैच नहीं करता है, तो वो जो लुक होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बताना भूल गई, लैक्मे सीसी क्रीम से पहले मैंने अपनी स्किन के रूटीन कर ली थी मैंने टोनर अप्लाई किया था एंड टोनर के बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया था, हर बार प्राइमर अप्लाई किया था जो सिलिकॉन बेस है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। बिकॉज के फाउंडेशन अप्लाई करें या सीसी क्रीम अप्लाई करें, प्राइमर मस्ट होता है। अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करेंगे तो इतनी अच्छी कवरेज आपको नहीं मिल पाती है। सो एज़ यू कैन सी मैंने डॉटिंग मोशन में ही अप्लाई कर लिया है। मैंने ले लिए थंबनेल के लिए पिक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर थंबनेल नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि वीडियो के कंटेंट क्या है, वीडियो के अंदर क्या मैं शेयर करने वाली हूँ। और इंस्टाग्राम की स्टोरीज के लिए भी तो थंबनेल एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए भी तो पिक्चर चाहिए होती है। मैंने अपनी पिक्चर्स ले ली है। अब मैं आपको इसको स्किन के अंदर ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ब्लेंड होती है। मैं इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करने वाली हूँ, बिकॉज मैं इसको अपने एक साइड अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और एक साइड में लूँगी ब्यूटी स्पॉन्ज। पहले मैं एक साइड आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। अपने ईयर्स पे भी अप्लाई करना है, अगर आप अपने ईयर्स पे अप्लाई नहीं करेंगे सो आपका फेस तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, बट आपके जो कान हैं वो मैच नहीं करेंगे आपकी स्किन के साथ। कैन यू सी द डिफरेंस? इसमें मैं चाह रहा हूँ, ये मैंने नीचे आई शेडो अप्लाई किया हुआ है। ये मेरे डार्क सर्कल नहीं है, नॉट एट ऑल। आई मीन डार्क सर्कल है, बट अभी डार्क सर्कल इतने विजिबल नहीं है, मैंने सीसी क्रीम अप्लाई की है। एज यू कैन सी इसका कवरेज आप देखिए, आई होप यू कैन सी इट। मैं थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ। आपने देखा इसने कितना अच्छे खासा इसने कवरेज दिया है। इवन मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। मुझे डेली ऐसे फील होता है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, बट बहुत लाइट होता है,
सो मैंने आपको बोला था ना, मुझे सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ही मुझे सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसने कवरेज दिया है, और इसको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के साथ इसको सेट करना पड़ता है, अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको सीसी क्रीम को सेट भी नहीं करना पड़ेगा किसी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और अब मैं दूसरी साइड ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो मैं हमेशा वेट ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा नहीं पूरा, मैं इसको गीला कर लूँगी और जो भी एक्सेस वाटर है मैं वो सब निकाल दूँगी। ये पैक का ब्यूटी स्पॉन्ज है, सो इसको मैं डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। सो मैंने अप्लाई कर ली है लैक्मे सीसी क्रीम, किया था इन फिंगर्स की हेल्प से मैंने इस साइड ब्लेंड किया था, और इस साइड मैंने ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई किया था, और इस साइड मैंने ब्यूटी हेल्प स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई किया था। सो दोनों साइड ही ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है, कहीं से भी क्या कि नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है, दोनों साइड ही अच्छे से अप्लाई हो गई है लैक्मे सीसी क्रीम। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे इसमें SPF होता ही है, SPF 30 प्लस इसमें होता है, SPF 30 PA प्लस प्लस। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करती हूँ, इसमें 30 इसमें SPF 30 है, बट जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ लोटस की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वो SPF 50 के साथ आती है। अब बट मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे समटाइम्स सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी है तो मैं सीसी क्रीम के साथ, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो मैं लैक्मे सीसी लैक्मे का ही SPF कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। ये SPF 40 के साथ आता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, कॉलेज गोइंग गर्ल इसको आराम से कैरी ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती किसी अच्छे फाउंडेशन में, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लैक्मे एक लैक्मे सीसी क्रीम ले लें, और इसी के साथ ही लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट ले लें। ये भी SPF के साथ आता है, दोनों के अंदर SPF है, और बजट के अंदर आपकी स्किन केयर के साथ साथ आपका मेकअप भी कम्प्लीट हो जाएगा। सो मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी, मेनली मैं इसको अपने टी जोन पर अप्लाई करती हूँ। जो रेस्ट प्रोडक्ट होता है मैं उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। नेक पे अप्लाई करना कभी स्किप ना करें, अदरवाइज तो जो स्किन टोन होती है वो अलग अलग विजिबल होती है, यहाँ का शेड अलग एंड यहाँ का शेड अलग। सो एज यू कैन सी मैंने लैक्मे सीसी क्रीम अप्लाई की है, और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है, दैट्स इट। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं एंड कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आपको लैक्मे सीसी क्रीम ज़रूर परचेज करनी चाहिए, आपको लैक्मे सीसी क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा कवरेज देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फाउंडेशन की तरह देती है, बट काफ़ी अच्छा कवरेज देती है, जो कि डेली बेसिस पे चाहिए होता है कॉलेज में या ऑफिस में, बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं चाहिए होता है, तो लैक्मे सीसी क्रीम आपकी सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देती है, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। प्राइस है वो मैं वो तो मैं आपको बताना भूलेगी, एक मिनट बताती हूँ। इसका जो प्राइस है वो 335 रुपीज़ है, बट आप चाहे तो purple.com और Nykaa पे सेल चलते ही रहते हैं, डिस्काउंट चलते ही रहते हैं, सो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने लाइफस्टाइल से परचेज़ की थी, सो आई डोंट नो, मुझे डिस्काउंट मुझे इतना याद नहीं है कि मुझे डिस्काउंट मिला था या नहीं मिला था, बट आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अमेजन से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।